कैसे आप लोग अच्छे होंगे। भूगोल की सीरीज में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था परिभ्रमण, आज पढ़ेंगे परिक्रमण। तो परिभ्रमण पढ़ा था अपनी धुरी पर घूमना, उसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति से क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड मतलब लगभग 365 से ही 1/4 दिन में, कह सकते हैं 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इसे हम वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। अब किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है, भैया 107,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए या धुरी पर की चाल से चलते हुए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, इसे हम वार्षिक गति कहते हैं। और यही 365 दिन देखिए लिख देते हैं हम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड में क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और कितने चाल से चलते हुए, 107,000 किलोमीटर, 107,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, क्या करते, चाल चलते हुए पूरा करते। यही 365 दिन 5 घंटे को मान लेते हैं, 365 दिन लगभग, इनको पूरा मिलाकर कितना कर लेते हैं, लगभग 365 दिन 6 घंटा, जिसे हम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, 365 सही 1/4 दिन में, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। 365 दिन में, एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन लगभग। और यही जो 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है इसे 4 वर्षों में, माने 6 × 4 कर लेते हैं 24 घंटा जब हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं कि जो चौथा वर्ष होता है उसको मान लेते हैं 366 दिन, जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथा साल जो होता है उसमें क्या कहते हैं, फरवरी महीने में, फरवरी का जो महीना होता है, इसमें फरवरी चल भी रही है आपकी, तो फरवरी में क्या होता है, एक दिन को ऐड कर देते हैं तो 28+1 = फरवरी, वो क्या हो जाती है, 29 की हो जाती है। फरवरी क्या हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। 29 दिन कैसे होती है, जैसे 2001 की फरवरी 28, 2002 की फरवरी 28, 2003 की फरवरी 28 और 2004 की चौथा वर्ष जो आया 2001, 2002, 2003, 2004, चौथे वर्ष में 6-6 घंटे कितने हो गए, 24 घंटे, एक दिन बढ़ गया। 2004 की जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और इसे कहते हैं अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष या सौर वर्ष में 365 दिन होते। हमने क्या क्या सीखा, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में भी एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम कहते हैं वार्षिक गति। लेकिन इसको किस पथ में पूरा करती है, ये भी है, तो वह जो है पथ है वह है दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ में क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है, देख लीजिए इस तरह से, ये हो गए गति मान लीजिए, और क्या है यहाँ पे सूर्य आपका, तो जब सूर्य यहाँ पे है तो देखिए ये दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ है। देखिए दो कंडीशन, एक तो देखिए यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी दूरी कम है, यहाँ पे इसकी दूरी ज्यादा है। तो जब वार्षिक गति करती है, देखिए पृथ्वी इसी तरह से कर रही है, तो इसके सामने दो दूरियां आती हैं, एक दूरी ये है, एक दूरी ये है, इसे कहते हैं उप सौर, और इसे कहते हैं, सॉरी ये हाँ उपसौर हो गया, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ उपसौर होगा, यहाँ पे होगा उपसौर, और उपसौर होता है ये उपसौर और ये अपसौर, ये हो गया अपसौर। तो ये जो उपसौर होता है यह होता है आपका 3 जनवरी को, और जो ये उपसौर होता है यह होता है 4 जुलाई को। जिस दिन में उपसौर होता है यह होता है लगभग आपका 147.1 मील की मी, मतलब
मील किमी, और जो यह दूरी होती है यह समय 4 जुलाई को जो अपसौर होता है इस समय 152 मील किलोमीटर होता है। मतलब पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक 3 जनवरी को होती है, और जो होता है अपसौर, तो जो अपसौर होता है ये 4 जुलाई को होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, इसकी जो औसत दूरी होती है वह 149.2 मतलब लगभग 150 मील किलोमीटर हम ये कह सकते हैं। अच्छा, मील माने मिलियन, सॉरी ये मिलियन किलोमीटर है, ये 147 मिलियन किलोमीटर है और 152 मिलियन किलोमीटर है। तो जो औसत होती है इसकी वह होगी आपकी 149.2 नियर अबाउट कह सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर। और अब इसको याद कैसे करेंगे, उपसौर और अपसौर। तो उपसौर का मतलब होता है उप माने उपमा, उसके बाद आप अप माने ऊपर, ऊपर माने ज्यादा, ज्यादा माने दूर, दूर माने 4 जुलाई, 4 जुलाई को दूर होता है और 3 जुलाई को नजदीक। लेकिन अब जब सूर्य सबसे नजदीक होता है उस समय सबसे ज्यादा पृथ्वी पर सूर्यातप प्राप्त होता है, जब दूर रहता है तो सूर्यातप कम प्राप्त होता है। अब कहेंगे सर 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है तो हमारे यहाँ ठंडक पड़ती, गर्मी पड़ना चाहिए, क्यों? ऐसा इसलिए होता है इस समय सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। कहाँ पे? कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, इसलिए सॉरी मकर रेखा पर सीधी चमकती है, कर्क रेखा पर सीधी नहीं पहुंच पाती। और जो भारत है, जो हम या आप जहाँ रहते हैं वह कहाँ पर रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास रहते हैं, और जबकि उस समय सूर्य मकर रेखा में ऑस्ट्रेलिया के आसपास होता है, ऑस्ट्रेलिया जो रेखा पे होता है, इसलिए वहाँ पे दिन की अवधि बड़ी होती है और हमारे यहाँ रात की अवधि बड़ी होती है। इसलिए जो वहाँ पे जो इसका असर होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है, उत्तरी गोलार्ध में कम देखने को मिलता है। लेकिन इस समय पृथ्वी को सबसे ज्यादा सूर्यातप मिलता है किस समय? 3 जनवरी को। ठीक इसके विपरीत जब सबसे दूर होता है तो हमारे गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी माने कर्क रेखा पे 21 जून के बाद सीधी पड़ती हैं। इस समय 4 जुलाई का होता है जिसे हम अपसौर कहते हैं। तो अपसौर में 152 मिलियन किलोमीटर होता है, जबकि उपसौर में 147। और उपसौर पहले उप आता है, उप माने 3 जनवरी, अप माने ऊपर 4 जुलाई, उसके बाद 4 जुलाई, अप माने दूर, दूर माने 152 लगभग 152 मिलियन किलोमीटर, और यह 147 मिलियन किलोमीटर। और औसत हो गया कम, तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, ये देखिए। ठीक इसी वजह से मौसम क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो इसके परिभ्रमण से क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं, फिर उसको एक एक क्रम में पढ़ते हैं। पहला ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन। दूसरी स्थिति क्या है? ज्वार भाटा तो हमने देख लिया, तो ज्वार भाटा और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो है यह पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण भी होती है। ज्वार भाटा के और दिन रात की अवधि तो हमने देखा ही कैसे होती है, लेकिन उसका जो दिन रात की अवधि में अंतर आता है वह भी कहीं ना कहीं वार्षिक गति के लिए भी जिम्मेदार है। इसमें हम सूर्यातप की बात करते हैं, कब सूर्यातप ज्यादा, कब सूर्यातप कम होता है, और किस समय दिन बड़ा, किस समय रात बड़ा, तो यह हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ऋतु परिवर्तन एक चैप्टर, इसका प्रभाव क्या होता है, वार्षिक गति का प्रभाव क्या होता है, ऋतु परिवर्तन एक। दूसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उसके बाद जो पढ़ेंगे, इसके बाद मिला के ज्वार भाटा, और क्योंकि अपभू और उपभू तो नहीं पढ़ना, सिजगी तो नहीं पढ़ना, लेकिन यह क्योंकि वो अलग से अध्याय है, लेकिन फिर भी उपसौर अपसौर के साथ पढ़ लेंगे। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि परिभ्रमण क्या है, कैसे चक्कर लगाती है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन माने वार्षिक गति कारण जो पहला प्रभाव होता है वो होता है ऋतु परिवर्तन। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ऋतु परिवर्तन क्या होता है, और इसी की वजह से ही दोनों ध्रुवों पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। और कभी सूर्य किरणें कर्क रेखा पे, कभी सूर्य किरणें मकर रेखा पे, कभी सूर्य किरणें तिरछी कैसे पड़ती हैं, इसको भी इसके डायग्राम के बाद हम लोग समझ लेते हैं। ऋतु परिवर्तन कैसे होता, मौसम कैसे बदलता है, इन सभी की जानकारी भी हम लोग हासिल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ताकि भूगोल और सरल हो सके। आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी तक जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और फिर उसमें आ जाएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, से ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पे भी ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, आप चाहे तो आपको जरूरत लगे तो कर सकते हैं। इसी प्रकार जीएस में भूगोल पढ़ते रहेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग वैकल्पिक विषय के रूप में जो भूगोल पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसको डेप्थ में और गहराई में जाकर पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग
अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वीडियो इस तरह आपको भूगोल की मिलती रहेंगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचा दी, इतनी कृपा करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। हो सकता है ज्योग्राफी बहुत कठिन लगे, लेकिन हो सकता है मेरे शोर के साथ आप भी सीख ले और बेहतर कर ले, हो सकता है पहले से बेहतर जानते हो। तो इसी के साथ आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी क्रम में पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।